पता है कल मैंने सपना देखा कि आप और मैं स्विट्जरलैंड के बर्फीले वादियों में बैठ के चाय पी रहे देखो बेबी 3.5 रुपए का मुंह सपना तूने 8.5 लाख का देख लिया अपने हिसाब से सपना देखा कर कहीं टीले में बैठ के मैंने बेर खाए ये तू क्या इतने महंगे सपने नहीं देखते बेटा मैं सच बोल रही हूँ और पता है परसों मैंने ये भी देखा कि क्या? हम अफ्रीका में और पता है आप क्या कर रहे थे क्या पाजी अफ्रीका में ये मेरे मेरे होठों की तारीफ कर रहे थे पर जहाँ बैठा तारीफ कर रहा था उनके अपने भी तो देखो ना इनके हिसाब से तो तुम्हारी तारीफ ही बनती है ना आपने राजू को क्या कहा मुझे चुड़ैल बनने के लिए मैं कैसे चुड़ैल बन सकती हूँ अरे क्या हो इसमें मुश्किल क्या है वो तू जो शादी वाले दिन ड्रेस पहनी थी वही पहन के आ जा कितनी डरावनी लग रही थी तू आपको पता पाजी शादी वाले दिन मैंने उसको 500 रुपए दिया कहते मुंह तो देख लो मैंने कहा मुंह दिखाई नहीं मुंह छिपाई का दे रहा हूँ मैं इतनी भयानक लग रही थी फिर से मजाक मुझे पैसे दो मायके जाना है मुझे देख ऑफर तो तूने मेरे को बड़ा अच्छा दिया है मायके वाला लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास पैसे होते कब है तुम्हारे पास याद करो फेरी लेते वक्त तुमने प्रॉमिस किया था कि मेरी सारी जरूरतों को तुम पूरा करोगे अरे वो तो आइसक्रीम खत्म हो रही थी मेरा ध्यान था मैंने कहा कहीं खत्म ना हो जाए पंडित ने जो कहा पीछे पीछे बोलता गया मेरे को तो याद भी नहीं क्या कहा था उसने बोलने के लिए क्या मतलब उस वक्त मुझसे ज्यादा आइसक्रीम प्यारी थी तुम्हें उस वक्त का क्या मतलब आज भी मेरे को आइसक्रीम ही प्यारी है क्या? अब सेल्फ रिस्पेक्ट देखिए ना आइसक्रीम की 5 मिनट आदमी मुंह ना लगाए खुद ब खुद पिघल के गायब हो जाती है इसको मैंने कभी मुंह नहीं लगाया फिर भी टिकी हुई जाती नहीं वैसे किराया कितना लेंगे आप ओनली 10,000 10,000 रुपए 10,000 रुपए आई एम सॉरी ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है हम 3 लड़कियां साथ रहती थी और 12,000 रुपए देती थी आप 6 लड़कियां लेके आइए मैं 2,000 जेब से ना तू तो कहना बात वो नहीं है हमारे यहाँ पे कुछ शर्तें होती जैसे जो किरायेदार है वो शादीशुदा ही होना चाहिए एक्सक्यूज मी मैं शादीशुदा नहीं हूँ ओह गॉड क्यों क्या हुआ नहीं शर्तों के हिसाब से प्रॉब्लम हुई है इंडिविजुअली तो मुझे बड़ी खुशी हुई मतलब बिल्कुल शादी नहीं हुई आपकी नहीं इतनी सी भी नहीं क्या मतलब मतलब ये एंगेजमेंट वगैरह नहीं कोई प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम एक्चुअली हम लोग ना बैचलर्स को ज्यादा देते नहीं तो ओके पर आप ऐसा नहीं कर सकती आप इतना प्लीज कर रही है तो मैं इतना बेरहम नहीं आपको जाने दूं मैं आप रह सकती हैं यहां पे मैंने प्लीज प्लीज नहीं बोला पर आपका प्लीज बाहर आ रहा था गले तक आ गया मैंने देख लिया है आप इस घर में बिंदास रह सकती हैं ये घर आपका अपना है मैं आपका अपना हूँ आप क्यों ऐसे करेंगी मतलब अरे आप हमारी जान है ऐसे कैसे जा सकते